विंध्याचल पर्वतमाला को पारंपरिक भौगोलिक रूप से उत्तरी और दक्षिणी भारत की सरहद माना जाता है। भारत के इतिहास में विंध्याचल पर्वतमाला का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भूविज्ञानी संतोष कुमार पांडे ने हमें इस पेचीदा मगर खूबसूरत पर्वतमाला की बनावट के अन्य पहलुओं के बारे में बहुत कुछ बताया। विंध्याचल की पहाड़ियां हमारी जो शुरू होती हैं वो हमारे ईस्ट में बिहार सासाराम रिज है आपकी, वहां से लेके और अगर हम साउदर्न एक्सटेंशन देखते हैं तो हमारे एमपी में, हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे जो रीवा सतना मैहर कटनी ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ से लेते हुए, और अगर हम यूपी की बात करें तो मिर्जापुर, और ये पूरा एक्सटेंशन ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर हम जाएं तो हमारा राजस्थान में वहाँ पे चित्तौड़गढ़ बूंदी लखेरी ये एरियाज जो हैं ये पूरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिन्हें हम विंध्याचल की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। विंध्याचल की पहाड़ियां जो हैं इंडिया में करीब करीब 166,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई हैं, जिसमें कि 40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर आपका जो हमारा गंगा प्लेन है उसके नीचे है, और करीब करीब 16,00,000 या 20,00,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जो डेक्कन प्लेट्यू है, जिसे हम डेक्कन वोल्केनिज्म वोल्केनिक रॉक है उसके नीचे है, तो करीब करीब 2,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये एक पर्वत श्रृंखला है। और 1.5 अरब साल पहले ये विंध्याचल की पहाड़ियां बननी शुरू हुई, और ये बनती 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 करीब करीब 60 करोड़ साल पहले आके बंद हो गई, मतलब यहाँ पे रॉक्स आके बनना बंद हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये चट्टानें कैसे बनी, तो अगर आप एक ऐसा एज्यूम करिए कि कोई एक लेक है या एक कोई डिप्रेशन है, एक कोई गड्ढा है जिसमें आप हल्का सा पानी का इनलेट दीजिए, तो पानी आपके साथ साथ क्या क्या लाएगा? पानी लाएगा, मिट्टी लाएगा, मिट्टी के कण लाएगा, बालू लाएगा, वो सारी चीजें ला ला के उस गड्ढे में भरता है। तो इसी तरीके से उस जमाने में आज से 1 अरब साल 1.5 अरब साल पहले कि कोई भी सेडिमेंट्री रॉक जब प्रिजर्व होते जब बनती है तो वो किसी भी वाटर सिस्टम में बनेगी, चाहे वो आपका समंदर हो, चाहे वो लेक हो, चाहे वो नदी हो। तो वहां जब इकट्ठा होता है आपका सेडिमेंट तो होता क्या है कि एक लेयर इकट्ठी हुई, फिर दूसरी लेयर इकट्ठी हुई, फिर तीसरी लेयर इकट्ठी हुई, फिर चौथी लेयर इकट्ठी हुई। अच्छा, इससे होता क्या है कि उस गड्ढे में इस सेडिमेंट का भार आता जाता है, तो ये जो भार एक्स्ट्रा भार आ रहा है उस गड्ढे में वो इसको नीचे दबाता है, इसको हम कहते हैं हमारी जियोलॉजी की भाषा में सब्सिडेंस हो रहा है, ठीक है। और नया सेडिमेंट जब फिर से आएगा ऊपर तो पुरानी जगह जो खाली हो गई उसको अकोमोडेट कर लेगा। तो अकोमोडेशन और सब्सिडेंस ये दो ऐसी प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हमारा कोई एक बेसिन तैयार होता है, जिसे हम जियोलॉजी की भाषा में बेसिन बोलते हैं। तो हो क्या रहा है कि आपका जो ये बेसिन है वो भरता चला जा रहा है, और वो जो सॉफ्ट सेडिमेंट है वो लाखों करोड़ों सालों में प्रेशर टेम्परेचर और बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू वो हार्ड होता जाता है। जैसे हम कहें कि मान लीजिए आप वाइट सीमेंट है हम जब घरों में लगाते हैं तो वो होता पाउडर ही है, लेकिन जब हम पानी के साथ मिलाते हैं और तब वो थोड़ा सा हार्ड होता है जब हम उसको लगाते हैं, और उसके बाद लगाने के बाद अगर हमने 2 दिन छोड़ दिया, 1 दिन छोड़ दिया, तो हमारा एक बिल्कुल एक चौक की तरह एक हार्ड मटेरियल निकलता है। तो ये होती है लिथिफिकेशन की प्रोसेस। इसी तरीके से विंध्याचल एक बेसिन है जो कि इस तरीके से बना हुआ है, यानी हमारी जो सबसे ओल्डेस्ट रॉक होगी वो सबसे नीचे होगी और जो सबसे यंगेस्ट होगी वो सबसे ऊपर होगी। तो ये एक प्रोसेस है समझने वाली कि लाखों करोड़ों साल लगते हैं किसी भी सेडिमेंट को हार्ड होने में, लिथिफाइड होने में। लेकिन एक बात, एक क्वेश्चन आता है, जब हमने कहा कि ये जो रॉक्स बनती है ये पानी के अंदर बनती है, समंदर के अंदर या नदियों के अंदर बनती है, तो ये ऊपर कैसे आ गई? अब इसको समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमने बोला कि डिफरेंट प्लेट्स होती हैं अर्थ पे, वो ऐसे से मूव कर रही है, ठीक है। तो होता क्या है, कहीं वो एक दूसरे से लड़ती हैं, कुछ एक प्रोसेस होती है कि जैसे हिमालय बना तो ये दो प्लेट है, ये इंडिया की प्लेट है
और ये यूरेशिया की प्लेट है। जब ये धीमे धीमे इंडिया इधर आता है तो होता क्या, ये लड़ता है, लड़ने से क्या है, ये नीचे सबडक्ट कर गया ये हिस्सा, और ये हिस्सा क्योंकि इधर का प्रेशर आया तो ये उठ गया। तो ये जो प्रोसेस होती हैं, अब इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो गया कि हमारी एक नई माउंटेन बिल्डिंग शुरू होती है। यही कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व थी कि जो चीज नीचे थी वो आज की डेट में ऊपर दिखती है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये रॉक्स को हम कैसे पहचान पाते हैं कि ये 1.5 अरब साल पुरानी है या 1 अरब साल पुरानी है या हमारी 60 करोड़ साल पुरानी है। तो मैं अगर पेलिंटोलॉजी की नजर या जीवाश्म विज्ञान की नजर से बताऊं कि हम उन विंध्याचल की पहाड़ियों में कुछ ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम फॉसिल्स बोलते हैं, और वो फॉसिल्स हमें उस समय की एज के बारे में बताता है। होता क्या है कि जब ये मैंने आपको बताया कि बेसिन कैसे बना, जब सेडिमेंट आया तो समंदर के अंदर उस समय जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही होगी, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, चाहे आंखों से दिखती हो या ना दिखती हो, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर डंप होती चली जाती है। जैसे आप मान लो कि कोई चीज आप पानी ऐसा बहा दो तो आप बाढ़ आती है, तो उसमें पेड़ पौधे और जानवर और बहुत सारे इंसान तक बह जाते हैं। तो होता क्या है कि जब वो मर जाते हैं तो उनका जो बॉडी होती है वो सड़ जाती है, जैसे हम बरियल बोलते हैं, बरियल के बाद वो प्रिजर्व हो जाती है उस सेडिमेंट। अब मैंने आपको बताया कि ये 2 लेयर है मान लीजिए सेडिमेंट की, और इसके बीच में कोई बॉडी प्रिजर्व हो गई, लाखों साल लगे इसको हार्ड होने में, लेकिन जब हमने पत्थर पे हैमर मारा ऐसे खोला तो हुआ क्या कि इधर फॉसिल का इंप्रेशन छपा हुआ मिला, चाहे वो मछली हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो या आपका कोई भी एल्गी हो। तो हमें उस लाइफ के बारे में, हमें उन चीजों को जानने में एक सिनारियो ऐसा होता है कि हम उसको जान के हम उस समय की एज के बारे में अनुमान लगाते हैं। दूसरा तरीका जो होता है वो ये होता है कि उस जगह उस रॉक की हम एज निकालते हैं रेडियोमेट्रिक टेक्निक के द्वारा। ये एक ऐसी टेक्निक होती है, मान लीजिए आपका सैंडस्टोन है, मान लीजिए आपका बलुआ पत्थर है, उस बलुआ पत्थर में कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जैसे जिरकन होता है, यूरेनियम होता है, लेड होता है। हम यूरेनियम और लेड के रेशियो को देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें कितना रेशियो मिल रहा है। यूरेनियम और लेड का जो रेशियो होता है जितना कम होगा उतनी ही पुरानी रॉक्स होती, और जितना ज्यादा होगा उतनी ही यंग रॉक्स होंगी। ऐसे ही जिरकन को जब हम डेट करते हैं, जब लेबोरेटरी में लाके उसको डेट करते हैं, तो जिरकन एक मिनरल है जिसकी अपनी हाफ लाइफ होती है कि एक समय बाद उसकी लाइफ आधी हो जाती है। तो उसके जरिए भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर उस रॉक सीक्वेंस की एज क्या होगी। तीसरा एस्पेक्ट ये होता है कि जब हम पानी की बात करते हैं जहाँ पे वो रॉक बनी है, तो उस पानी में किस तरीके का एनवायरमेंट रहा होगा, क्या उस पानी में ऑक्सीजन रही होगी, क्या उस पानी में डिजॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन रहा होगा जो कि उस समय के ऑर्गेनिज्म जो उसमें पाए जाते हैं पानी में, क्या उनके फूड चेन के लिए अवेलेबल होगा। तो बहुत सारे जो सिग्नेचर्स होते हैं वो उन पानी में ट्रैप हो जाते हैं, और उन पानी जो होता है उसी पानी में हमारी रॉक बनती है, तो रॉक के अंदर वो सिग्नेचर्स ट्रैप हो जाते हैं। अगर हम आइसोटोप की बात करें, कि आइसोटोप एक ऐसी चीज होती है, केमिकल टेक्निक होती है जिसके जरिए हम कार्बन इम्प्रिंट्स, जिसे कहते हैं ना कि हमारा शरीर किन चीजों से बना है, अगर हम अपने शरीर को जला दें तो शायद 1% हमारे पास ऐश बचेगी हमारे वेट के। तो उसी तरीके से कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कि ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं, ऑर्गेनिक एलिमेंट होना बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। तो हम उस कार्बन इम्प्रिंट को देखते हैं, उसका केमिकल सिग्नेचर देखते हैं। तो ये कार्बन इम्प्रिंट, रेडियोमेट्रिक डेट्स और फॉसिल, ये तीनों चीजें जब एक साथ मिला दी जाती हैं तब हम उस समय की उस जगह की रॉक्स के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई ये इतनी पुरानी है। इसी तरीके से विंध्यास में भी तमाम स्टडीज करी गई और उससे पता चला कि विंध्यन की पहाड़ियां जो हैं वो हमारी 1.5 अरब सालों से लेके और करीब करीब 60 करोड़ साल पुरानी है। अब दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं कि वहां पे हमें किन किन तरीके के फॉसिल्स मिलते हैं, तो विंध्यंस पूरी दुनिया प्रसिद्ध है, तमाम तरीके के जियोलॉजिस्ट दुनिया भर से यहाँ के आके काम करने की कोशिश करते हैं। अगर फॉसिल्स की बात करी जाए तो मैंने अपनी PhD भी वहीं से करी है, विंध्यंस पे ही करी है, पहाड़ियों पे ही करी है। जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं
क्योंकि हम करीब करीब 60 करोड़ साल पहले की बात कर रहे हैं, और 60 करोड़ साल एक ऐसा समय है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि पहले जो एनिमल्स हैं वो इवॉल्व हुए धरती पे करीब करीब 60 करोड़ साल पहले, लेकिन उन एनिमल्स में हड्डियां नहीं होती थी, यू नो बोन नहीं होती थी, वो इनवर्टिब्रेट होते थे, यानी जिनमें हड्डियां या कोई भी स्केलेटन ना हो। ऐसे बहुत सारे जानवर हमारे आज की डेट में समंदर में या नदियों में मिलते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स जो मिलते थे वो उस जमाने में मिलते थे 60 करोड़ साल पहले। और अगर हम बात करें कि भीम पेट का एक शेल्टर यूनेस्को हेरिटेज साइट है आपकी भोपाल में, जो कि विंध्याचल पहाड़ियों के अंतर्गत आती है, और वहाँ पे अभी एक साल पहले दो साल पहले करीब करीब वहाँ पे कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जो दुनिया के सबसे प्रिमिटिव फॉसिल्स, सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स फॉसिल की बात करी गई है। तो विंध्याचल की पहाड़ियों में हमें इतना पुराना राज करीब करीब 60 करोड़ साल पहले समंदर में किस तरीके का जानवर रहता था उसका हमें फॉसिल्स का इंप्रेशन हमें मिलता है, जिसको हम डिकेंसोनिया कहते हैं। इसी तरीके से तमाम तरीके की जो अलग फॉसिल्स हैं, सॉफ्ट बॉडीड मेटाजोअन्स जिसे हम बोलते हैं कि निडेरियंस, जो कि आज की डेट में समंदर में मिलते हैं, उनके इंप्रेशंस मिलते हैं। हमारे पास बहुत सारी स्पेसिफिक एल्गी थी जो उस समय समंदर में पाई जाती थी, उनके फॉसिल्स मिलते हैं। तो अलग तरीके के अलग अलग फॉसिल्स हमें विंध्याचल की पहाड़ियों में मिलते हैं, जिससे हम और कोशिश करते हैं कि हम पीछे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के एस्पेक्ट में कि धरती पे लाइफ कैसे आई और कैसे इवॉल्व हुई धीमे धीमे, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। विंध्याचल पर्वत खनिज पदार्थों और इमारती पत्थरों से मालामाल है। देश के कई सुंदर और मशहूर स्मारक यहीं पाए जाने वाले बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। अगर मैं बहुत पुरानी बिल्डिंग्स की बात करूं, जिनमें आपके इंडिया का पार्लियामेंट भी आता है, संसद भवन, ये हमारा मैहर सैंडस्टोन से बना हुआ है, हमारी विंध्याचल की पहाड़ियों से बना हुआ है। शायद ये जान के बड़ा अजीब लगेगा और शायद नहीं मालूम होगा कि इंडिया गेट जो बना हुआ है दिल्ली में, वो भी हमारा सैंडस्टोन, मैहर सैंडस्टोन जो विंध्याचल के सैंडस्टोन है उनसे बना हुआ है। आगरा का जो हमारा फोर्ट है वो भी हमारा उस सैंडस्टोन से बना हुआ है। अब मैं सैंडस्टोन की कहानी थोड़ा सा बता दूं कि तीन अलग अलग कलर्स में सैंडस्टोन है, एक रेड कलर है, एक ब्राउन कलर है और एक पिंक कलर है। अच्छा, ये सैंडस्टोन इतने मजबूत हैं कि हजारों लाखों सालों से चाहे आप किसी भी पत्थर पर पानी डालते रहिए तो पत्थर वही अच्छा होता है जो लाखों साल पानी के पड़ने के बाद भी उसमें कोई खराबी ना आए। या अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई एक मोड़ है तो ये जो एज है ये कहीं खराब ना हो, ऐसा ना हो कि ये राउंड हो जाए पानी के या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद। तो इतने मजबूत पत्थर हैं, इतने खूबसूरत पत्थर हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं तो चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट बना हुआ है आपका, वो भी आपका मैहर सैंडस्टोन यानी विंध्याचल की पहाड़ियों से लाकर बनाया गया है। क्योंकि विंध्याचल की पहाड़ियाँ आपकी राजस्थान में भी हैं, तो बूंदी और चित्तौड़गढ़ के एरिया में जो सैंडस्टोन मिलता था वो उनसे बना हुआ है। इसके अलावा अगर मैं क्या कहता हूँ कि अगर कुतुब मीनार की बात करूँ तो कुतुब मीनार तो बड़ा फेमस है और एक हेरिटेज है इस देश के लिए। तो आपकी कुतुब मीनार देखिए हजारों साल से खड़ा हुआ है और कभी आप बगल में जाके उसको छुइए तो उनके पत्थरों में कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत कमजोर है, तो हजारों सैकड़ों साल से वो खड़े हैं। इसके अलावा अगर हुमायूं का मकबरा अगर मैं बात करूँ दिल्ली में, तो वो भी विंध्याचल की पहाड़ियों से लाए गए सैंडस्टोन से बनाए गए। तो अगर इतनी जगहें हैं, अगर इसके अलावा अगर दूसरी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे हम खजुराहो के टेंपल्स बोलते हैं, तो जो खजुराहो के टेंपल्स बने हैं, आप ये सोचिए कि कोई पत्थर पे अगर हम कोई हिट करें तो वो बिल्डिंग स्टोन तभी होगा जब वो एक एंगल पे टूटे, जो एंगल मैं चाहता हूँ। तो आप खजुराहो में जाके देखिए कि कितनी बढ़िया बढ़िया आपकी जो मूर्तियां बनी हैं, जो शिल्पकारी हुई है, तो कितनी फाइन शिल्पकारी भी उन पत्थरों में हो सकती है। यही चीजें किसी भी पत्थर को, किसी भी सैंडस्टोन को या लाइमस्टोन को एक बेस्ट बिल्डिंग स्टोन के रूप में साबित करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मिनरल वेल्थ कितनी अच्छी है विंध्याचल में, तो विंध्याचल में आप अगर बात करें तो इस देश का सबसे ज्यादा सीमेंट बनाने के लिए जो लाइमस्टोन यूज होता है, जिसे हम चूना पत्थर बोलते हैं, सबसे ज्यादा अगर निकाला जाता है इस देश में
तो इन्हीं विंध्याचल की पहाड़ियों से निकाला जाता है। पत्थरों के अलावा इस पर्वतमाला ने देश को बेशकीमती हीरे भी दिए हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े गैस और यूरेनियम भंडार भी यही है। मतलब यह है कि इस पर्वतमाला के पास हमारे इतिहास से जुड़े सवालों के जवाब तो हैं ही, ये देश का भविष्य सुरक्षित रखने में भी मदद कर रही है।